हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए आपको बहादुरगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से लोग परेशानी में हैं, और न सिर्फ कुछ दिनों की बात है, लंबे समय से इस इलाके के अंदर पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, और जो पानी आ भी रहा है वो इतना गंदा है कि वो पीने लायक नहीं है। और दूसरी तरफ सरकारी कहती है कि व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। दरअसल इस मोहल्ले में पीने के पानी की सप्लाई कई दिनों तक आती ही नहीं है, और जब शिकायत की जाती है तो एक दिन के लिए पानी की सप्लाई वहां पर दे दी जाती है, लेकिन ये पानी बेहद ही गंदा होता है। जो पानी मुहैया भी किया जाता है, जिसे पीना तो दूर, किसी और काम के लिए भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूषित पानी की सप्लाई के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा है। पानी नहीं आता, बिल्कुल इतने परेशान है, घंटों घंटों मोटर चलाते रहे, चढ़ता ही ना पानी नहीं चढ़ता ऊपर। हम इतने दिन से परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा। एक बार गए थे, दो तीन बार गए घर पे भी, फिर एक दिन उन्होंने फोन करा, उसके बाद फिर दो चार दिन ठीक आया, उसके बाद फिर वही का वही। किला मोहल्ला में गर्मी शुरू होती ही पानी आना बंद हो जाता है। जो पानी की सप्लाई है, अधिकारियों को, जेई को, एसडीओ को, सबको बता दिया, लेकिन वो कहते हैं आप समाधान बताओ। समाधान अधिकारी बताएंगे या वार्डवासी बताएंगे? वार्डवासियों को पानी चाहिए, पानी चाहिए किसी भी तरह भेजे। जिस दिन कंप्लेंट करता हूँ, ऑनलाइन कंप्लेंट करता हूँ, फिर कंप्लेंट उठवा देते हैं, क्या जितने हम दे देंगे। एक दिन तो पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता जी। समस्या अगर पानी की कमी की बात आप कर रहे हो, तो नहर से ही जो है पानी कम मिल रहा है, रॉ वाटर जैसे वो हमें कम मिल रहा है। हमने नहरी विभाग को लिखा है कि वे पानी की पूरी मात्रा भेजें, अगर नहर में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो नहर टूट जाती है आमतौर पर, आपको बता दी होगी। और रही बात गंदे पानी की, गंदे पानी में अगर कोई समस्या है तो मैंने गलगित देशवाल जी कह दिया है, और वो पूरी लाइन चेक करके ठीक कर देंगे।